नमस्कार, मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आप सबके घर में नाइफ जो छुरियाँ होती हैं हर किसी को मिल ही जाती हैं, और इनके माध्यम से मैं आपको बताऊँगा किसी भी दो लोगों में एक दूसरे से लड़ाई कैसे करवाई जाती है और उनको हमेशा के लिए अलग किया जाता है। ये एक टोटका है और ये उपाय जैसा है, और कैसे आप दो लोगों को इसके ज़रिए हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर सकते हो और अलग कर सकते हो। मान लीजिए, अगर आपका पत्नी है या फिर पति है, वो आपकी तरफ हमेशा के लिए दूर हट गया है और वो किसी दूसरे से बातचीत करने लगा है, उससे उसने बात कर ली है, बात बना ली है, तो इसके ज़रिए आपको दो चाकू लेने हैं आपको, और इनके माध्यम से आप किसी भी दो लोगों को अलग कर सकते हो। आप घर बैठे ही दो लोगों में दूरी पैदा कर सकते हो और इससे दो लोग हमेशा के लिए अलग भी हो जाएंगे। तो इस उपाय को आपको करना है, और जिससे कि आपको आसानी होगी दो लोगों को अलग करने में। तो घर बैठे ही आपको दो लोगों को अलग करने में आसानी होगी काफ़ी, और किस तरीके से आप अलग कर सकते हैं दो लोगों को एक दूसरे से हमेशा के लिए, ठीक है? तो आपको अच्छे से ही देखना है और आपको बिल्कुल भी नॉर्मल रहना है आपको अच्छे से उपाय करने के लिए, क्योंकि आपको एक बार कर लिया तो आप किसी भी दो लोगों को अलग करने के लिए कामयाब हो जाओगे। मजाक में भी नहीं करना है, मजाक में भी कर लिया तो भी दो लोग अलग होंगे, मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको चाकू लेना है, ठीक है? उस पर नाम लिखना है, आपको जो चाकू लेना है और उस पर नाम लिखना है, अच्छे से देखना, सारी अच्छे से काम करना है। उसका नाम लिखना है आपको यहाँ, उसका नाम है ममता। तो यहाँ ममता लिखना है, प्लस ममता की यहाँ माँ का नाम लिखना है, ठीक है? उसके बाद ये 9 कॉलम का बॉक्स बनाना है, ठीक है? उसमें आपको लिखना है, थ्री थ्री थ्री, सभी 9 बॉक्स में 3 3 3 लिख लेना है। उसके बाद यहाँ लिखना है लड़के का नाम है विकास, विकास प्लस माँ का नाम, इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर 9 कॉलम का बॉक्स बना लेना है। उसके बाद अब लिखना है यहाँ 7 7 7 7 7 7 7 सभी बॉक्सों में, इतना आपको नाम लिखना है। फिर उसके बाद दूसरा जो चाकू है उसको आपको उठाना है और यहाँ लिखना है जिसको उसका नाम है। अब यहाँ जो लिखना है वो लिखना है पहले विकास प्लस माँ का नाम विकास की। अब यहाँ जो बनाना है आपको नक्श 9 कॉलम का बनाना है, 9 9 9, और लड़की जो ममता है उसका नाम लिखना है ममता प्लस माँ का नाम, इस तरीके से आपको लिख देना है। ऐसा लिखने के बाद आपको जाना है जंगल की ओर जहाँ मिट्टी वगैरह हो। पहले तो आपको जो गाड़ना है ये सारी चीज़ बोलनी है, ममता और विकास अलग हो जाए ज़मीन में, इतना जितना नाम लिखा हुआ है इतना गाड़ देना है, ये इस तरीके से रहेगा। फिर उसी के बाद दूसरा भी आपको इस तरीके से गाड़ देना है और अपने घर पर वापस आ जाना है। ऐसा करने से एक ही दिन के अंदर अंदर हमेशा के लिए दो लोगों में लड़ाई झगड़ा होने के बाद दो लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। इतना आसान उपाय है और फ़ायदेमंद भी है। तो उपाय कीजिए दोस्तों, फ़ायदा लीजिए। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात होगी अगली नई वीडियो के साथ।